गाइज आज हम बनाने जा रहे हैं देसी चिकन, जिसके लिए हमने चिकन को वॉश कर लिया है। ये हमारी प्याज है, ये हमारा गोले का पाउडर, काली मिर्च, लौंग, जीरा और दालचीनी। इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, फिर बाद में प्याज को। ये हमने गोला, जीरा, जो काली मिर्च वगैरह थी वो पीस ली है, प्याज भी पीस ली है। हमने कढ़ाई में अब ऑयल गर्म कर लिया है, इसमें वन बाई वन करके चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। वन बाई वन करके इसमें वन बाई पीसेस ऐड कर देंगे। इसको फिर अच्छे से फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई चुका है, इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके अच्छे से भून लेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें वही जो हमने पीसा था गोला और ये चीज़ पीसी थी उसका पाउडर बना लिया है। अच्छे से भून लेंगे, वो गोले का जो हमने पेस्ट बनाया था उसको डालने के बाद अच्छे से भुनाई कर लेंगे, जब तक हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए। हमने इसको फ्राई करके निकाल दिया है सर। अब हमने जो प्याज का पेस्ट पीसा था उसको ऐड कर देंगे इसमें। अभी प्याज का पेस्ट डाल के इसमें भून लेंगे अच्छे तरीके से, पूरा ऑयल सेपरेट हो। गाइज ये हमारी प्याज जो है वो भून चुकी है। इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया। अब इसको अच्छे से भून लेंगे बिल्कुल। ये हमारा बिल्कुल मसाला भून चुका है। अब इसमें हम ये पीसेस ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके निकाले थे, वन बाय वन करके पीसेस ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको पीसेस के साथ मिक्सअप कर लेंगे। हमने हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। अब इसमें हम मलाई ऐड करेंगे, 2 स्पून हम इसमें मलाई ऐड कर देंगे। मलाई डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे इस तरीके से। गाइस ये हमारा देसी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, यम्मी लजीज। देखिए कितना यम्मी लग रहा है, आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। गाइस देखिए हमारा देसी चिकन रेडी हो चुका है, आप देखिए कितना यम्मी लग रहा है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत इजी रेसिपी के साथ।